17 साल पुराने उमेश पाल अपहरण मामले में आखिरकार माफिया बाहुबली राजनेता अतीक अहमद को दोषी करार दिया गया। अतीक अहमद समेत तीनों दोषियों को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। प्रयागराज एमपीएमएलए कोर्ट ने इस मामले में आज फैसला सुनाया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। अतीक अहमद, उसके भाई समेत तमाम आरोपियों को आज एमपीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया। उमेश पाल अपहरण मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए तीन लोगों को दोषी करार दिया। अतीक अहमद समेत तीनों दोषियों को उम्र कैद की सजा दी गई है। बता दें कि आरोपी दिनेश पासी और हनीफ को भी मामले में दोषी करार दिया गया है। उमेश पाल का अपहरण 2006 में किया गया था। अतीक के साथ साथ उसका भाई अशरफ भी इस मामले में आरोपी था। हालांकि कोर्ट ने उसे और 7 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया। इस मामले में अतीक, उसके भाई अशरफ और 4 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ 5 जुलाई 2007 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। बाद में पुलिस की ओर से मामले में अदालत में पेश किए आरोप पत्र में 11 आरोपियों का जिक्र किया गया था। उमेश पाल की इसी साल फरवरी में हत्या भी कर दी गई थी। अतीक को सोमवार शाम ही गुजरात से प्रयागराज के नैनी जेल लाया गया। इसके अलावा अतीक अहमद के भाई अशरफ को भी बरेली की जेल से प्रयागराज लाया गया था। फैसला सुनाने के दौरान दोनों अदालत में मौजूद थे। दोनों को आज सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच जेल से अदालत परिसर में लाया गया। बता दें कि उमेश पाल राजूपाल हत्याकांड का मुख्य गवाह था। उसके अपहरण के मामले में कोर्ट ने आज ये फैसला सुनाया है। इस पेशी से पहले उमेश पाल के परिवार की तरफ से ये कहा गया था कि वो चाहते हैं कि अतीक अहमद को फांसी की सजा मिले। हालांकि कोर्ट ने इस मामले में अतीक अहमद समेत बाकी दोषियों को उम्र कैद की सजा दी है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए आप हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।